राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्ध कुमार जी मेरठ दक्षिणी 49 नंबर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जिस साथ पार्टी लगता है कि नहीं है ये भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी, लेकिन प्रबुद्ध कुमार जी काफी दिनों से सामाजिक सेवा में और जनता की आवाज को लेकर समय समय पर अधिकारियों से मिलते भी रहे हैं और जनता के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया है। तो प्रबुद्ध कुमार जी इस वक्त अपने पार्टी कार्यालय में अंदर मौजूद है, उनके साथ कार्यकर्ता चुनावी चर्चा में मशगूल है। तो अभी हम प्रबुद्ध कुमार जी जो कि 49 मेरठ दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है, उनसे बातचीत करेंगे। भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी से दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है, तो आपकी चुनाव लड़ने की जो प्राथमिकता है, हर पार्टी प्राथमिकता होती है, घोषणा पत्र भी होता है, तो आप क्या बताएंगे आपकी प्राथमिकता और घोषणा पत्र में क्या है? देखिए, भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी की जो घोषणा पत्र है और जो प्राथमिकता है, घोषणा पत्र है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की। जो समाज के अंदर छुआछूत उस चीज की जो भावना लोगों के अंदर घर कर चुकी है जाति धर्म के नाम पर, वो दूर होनी चाहिए और जो आर्थिक जो ऊंच नीच का जो भेद है वो खत्म होना चाहिए। जो पार्टी की प्राथमिकता है, दबे कुचले जो लोग हैं हर समाज से, चाहे वो SC हो, जनरल हो, बैकवर्ड के हों, जो दबे हुए कुचले हुए उनको बराबरी पर लाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फुले और साहब जी के मिशन को हम लोग अमली जमा बनाने का हम लोग एक पार्टी के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया है और गठबंधन के बाद उन्होंने नारा दिया है कि यूपी को ये साथ पसंद है, तो आपको ये इन दोनों का साथ कितना पसंद आ रहा है? देखिए, एक कहावत कही जाती है कि सपा ने पिछले 5 साल लूटा और राहुल गांधी जी और कांग्रेस आज़ादी के बाद से अब तक लूट रहे हैं। तो मुझे तो एक जवान लोग पढ़ते थे कहावत कही जाती थी कि चोर चोर मुसेरे भाई, तो मुझे तो वही जो सारी चीज़ें चरितार्थ दिखाई दे रही है इसके अंदर। क्योंकि कल तक जो ये कहते थे कि यूपी बेहाल, 27 साल बेहाल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसी किस तरीके से लोग एक दूसरे को जो सहयोग कर रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक मजबूरियां हैं, सत्ता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, बाकी जनता का विकास का समस्या को दूर करने का लक्ष्य नहीं। का लक्ष्य बस किसी भी प्रकार से सत्ता में भागीदारी बनाकर जनता को बेवकूफ़ बनाकर दोबारा से हम लोग सत्ता में पहुंचे और दोबारा से लूट खसोट का काम हम लोग शुरू करें।